आज ना आज एक सवाल के साथ शुरुआत करेंगे हम शो प्राइम लोकेशन की। और सवाल ये है कि इंसान सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कहां पर होता है? एग्जैक्टली, यू नो, अपने घर पर। और ये जो घर होता है या फिर कोई भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ना, हमेशा एक सोचा समझा कदम उठाना चाहिए। अब ये सोचे समझे कदम कौन से होते हैं, स्टेप्स कौन से होते हैं, यही तो हम जानते हैं हमारे शो प्राइम लोकेशन में। प्राइम लोकेशन ये वो शो है जो आपको रियल एस्टेट रेडी बनाता है। इन शॉर्ट मैं आपसे कहूं तो आपको रियल एस्टेट में कब आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, कब बेचनी है, कौन सी प्रॉपर्टी खरीदनी है, कौन सी बेचनी है, इन्वेस्ट कहां करना है, ये सब कुछ आपको पता चलता है इस शो के थ्रू जिसका नाम है प्राइम लोकेशन। मेरा नाम है वैभव और इस शो में आज क्या क्या आपको मिलने वाला है, चलिए उस ओर चलते हैं। तो आज प्राइम लोकेशन में सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिरकार क्या होता है नोटिस ऑफ डिफॉल्ट। जी हाँ, इसका मतलब इनआर रियल एस्टेट डिक्शनरी। और जब हम जाएंगे हमारे मिथ बस्टर की ओर, तब हम जानेंगे कि यार जब आप किराए से रह रहे हो फ्लैट में, तब तो आपको सोसाइटी वाले निकाल सकते हैं, लेकिन अगर खुद का फ्लैट हो तो नहीं निकाल सकते। ये सच है या फिर मिथ, इनआर मिथ बस्टर। एंड फुल प्रूफ स्टोरी में हम जानेंगे कि भाई घर को रेनोवेट कराने के क्या होते हैं डूज एंड डोंट्स। लेकिन उससे पहले चलते हैं हमारे रियल एस्टेट अपडेट्स की ओर। पहली अपडेट की अगर बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे की एक रिपोर्ट से पता चला है कि इंडिया में कोविड सेल्स डिक्लाइन अब खत्म हो चुका है, अब मार्केट वापस से बूम पर है। अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर की बात करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ डिमांड ही नहीं बल्कि उसके प्राइजेस में भी हाइक देखा जा रहा है। दूसरी अपडेट की अगर बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए और कार्बन एमिशन को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश का हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए कोड जारी करेगा और आने वाले समय में जो बिल्डिंग सबसे ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होंगी उनको रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा। तीसरी अपडेट है मोहाली से, जहां पर प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट ना करने पर मोहाली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 11 बिल्डिंग्स को सील कर दिया है। जी हाँ, आप लोग भी जरा चेकआउट कर लें कि कहीं आपने अपना प्रॉपर्टी टैक्स छोड़ तो नहीं दिया है। देखिए, रियल एस्टेट एक जरूरी पर एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, राइट? इसमें कई बार ऐसे सारे हमें टर्म्स देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, हमने कई बार बिलबोर्ड्स पर देखे हुए हैं कि यार जो सुने सुने से तो लगते हैं पर उनका एग्जैक्ट मतलब नहीं पता होता है ना। तो बस उन्हीं सारे वर्ड्स का एग्जैक्ट मतलब बताने के लिए, उनको समझाने के लिए हम लेकर आते हैं हमारी रियल एस्टेट डिक्शनरी। और आज का हमारा वर्ड है नोटिस ऑफ डिफॉल्ट। रियल एस्टेट डिक्शनरी, नोटिस ऑफ डिफॉल्ट। अगर इसको हम बड़े ही सरल भाषा में समझना चाहें तो ये समझ लीजिए कि जो लेंडर होता है वो बोरोअर को एक फॉर्मल नोटिस भेजता है कि भाई तुमने कोई गड़बड़ की है, जो पैसे है ना वो मेरे पास अभी तक टाइम से पहुंचे नहीं है। ये इन जनरल आप देखेंगे जब बैंक्स के द्वारा ये फॉर्मल नोटिस भेजा जाता है होम लोन्स के टाइम पर, जब वो लोग अपनी EMIs पे नहीं कर पाते हैं, यस, तब ये नोटिस ऑफ डिफॉल्ट भेजा जाता है। देखिए, अगर फॉर्मल नोटिस के बाद भी बोरोअर पैसे पे नहीं कर पाता है तो उसके बाद फोर क्लोजर का प्रोसेस इनिशिएट किया जाता है। सबसे पहले एक पब्लिक नोटिस दिया जाता है कि इनके साथ ऐसा डिफॉल्ट हुआ है, उसके बाद प्रॉपर्टी के सेल के लिए नोटिस भेजा जाता है। और जब आप बात करते हैं प्रॉपर्टी के लीज के केस में, तो जहां पर जो ओनर होता है वो हमारे रेंट पर रह रहे व्यक्ति को एक पहले फॉर्मल नोटिस भेजता है कि भाई आपने पेमेंट पे नहीं किया है, आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं। एंड दैट्स वॉट नोटिस ऑफ डिफॉल्ट इज। यार मैं रेंट पे रहता हूँ ना, इसलिए सोसाइटी वाले मुझे परेशान करते रहते हैं कि ये मत करो वो मत करो। एंड हद पता है कब हो गई, जब मुझे नोटिस भेज दिया कि फ्लैट खाली करो। वो रेंट पे रहता हूँ ना, इसलिए अगर खुद का फ्लैट होता ना कभी निकाल पाते। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अगर आपका खुद का फ्लैट है तो सोसाइटी आपको आपके फ्लैट से नहीं निकाल सकती है? आइए जानते हैं कि ये मिथ है या फिर सच हमारे मिथ बस्टर में। मिथ बस्टर, मिथ बस्टर। तो देखिए, आज के मिथ बस्टर का सवाल बड़ा ही सिंपल है कि आपका खुद का फ्लैट है तो क्या सोसाइटी आपको आपके फ्लैट से बाहर निकाल सकती है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा सोसाइटी आपके साथ कर सकती है। देखिए, कुछ रेयर केसेस ऐसे होते हैं जहां पर ये चीजें आपके साथ हो सकती हैं। सबसे पहली चीज, सोसाइटी के जो लॉज हैं उनको आप मानने से इनकार करते हैं, या फिर आपके कारण सोसाइटी के जो लोग हैं कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हो। और तो और, एक्सट्रीम केसेस तब हो जाते हैं जब मल्टीपल वार्निंग देने के बाद भी उनको नहीं सुधारा जा रहा हो। ऐसे केसेस के अंदर एक्सट्रीम और हार्श कदम सोसाइटी को उठाने पड़ते हैं, जैसे कि आपके फ्लैट से आपको बाहर निकालना। तो यस, सोसाइटी ऐसा कर सकती है। एज पर द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड बायलॉज सेक्शन 35 रूल 28 एंड 29, सोसाइटी से आपको निकाला जा सकता है अगर
आप लगातार मेंटेनेंस चार्जेस नहीं पे कर रहे हैं, सोसाइटी को आपने जानबूझकर फॉल्स इंफॉर्मेशन देकर बेवकूफ बनाया हो, अपना फ्लैट इलीगल या इमोरल पर्पज के लिए यूज किया हो, या फिर आप आम तौर पर बहुत ही बुरा व्यवहार रखते हो। जिस किसी को भी सोसाइटी से निकाला जाता है उसका फ्लैट सोसाइटी सीज कर लेती है। निकाले गए मेंबर को एक साल के बाद ही उसका फ्लैट उसे वापस मिल सकता है, वो भी तब जब वो सोसाइटी के सारे लॉज मानकर वहां रहने को तैयार हो एंड सोसाइटी इसे एक्सेप्ट करे। कई बार हम बिना कुछ सोचे समझे अपने हिसाब से अपने घर को रेनोवेट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपका घर रेनोवेट करने के लिए कुछ डूज एंड डोंट्स बने हुए हैं? यस, तो चलिए आज की हमारी फुल प्रूफ स्टोरी में जानते हैं 7 ऐसे डूज एंड डोंट्स जिनको आप करके फूल बनने से बच सकते हैं। फुल प्रूफ स्टोरी। पहला, आपको अपनी सोसाइटी से आपके हाउस के रेनोवेशन के लिए परमिशन लेनी होगी, बिना उसके आप अपना काम शुरू नहीं कर सकते। दूसरा, रेनोवेशन के दौरान आप अपने घर के अंदर कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज ना करें अनलेस कोई सीरियस डैमेज है। जब लोग सो रहे हो यानी कि रात और अर्ली मॉर्निंग के टाइम पर कोई भी रेनोवेशन वर्क ना करें, बी केयरफुल। नंबर 4, अपने घर के किसी भी लोड बेयरिंग वॉल, बीम और कॉलम्स को रिमूव ना करें, याद रहे आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर नहीं है। नंबर 5, रेनोवेशन के काम में जो डेब्रिस यानी कि मलवा है उसे प्रॉपर एलोकेटेड स्पॉट में ही डिस्पोज करें। नंबर 6, अपने बाथरूम की पोजीशन चेंज ना करें, इससे लीकेज की प्रॉब्लम हो सकती है। और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण, अपने बिल्डिंग के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिमेंशंस को चेंज ना करें, नहीं तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल दे सकता है। तो भाई ट्रबल से बचिए, इसीलिए हम ये शो लेकर आते हैं जिसका नाम है प्राइम लोकेशन। आज का शो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड अपने लोगों के साथ जरूर शेयर करें। बाकी आप देखते रहें प्राइम लोकेशन। मेरा नाम है वैभव, स्टे कनेक्टेड, बाय। Prime location.